सॉरी आई, वो उषा मौसी साड़ी पहना रही थी तो लेट हो गया। ट्रिप पे तेरा पति जा रहा है, तुझे इतना सजने सवरने की क्या जरूरत थी? कितनी सुंदर लग रही है हमारी सही, है ना? एक मिनट, सही तुम ना रोज ऐसे ही सजा सवरा करो, बहुत अच्छी लगती हो, है ना? मैं विराट, विराट। हाँ, हाँ सही, आज वाकई अच्छी लग रही है। लगेगी ना, इतना समय जो इसने शीशा मिरर आईने के सामने गुजार दिया है। अब ये सब करने के चक्कर में घर के काम तो तुमने नहीं किए होंगे, तो जाओ जल्दी जल्दी बर्तन मांझ लो, और हाँ सबके लिए नाश्ता भी बनाना, ठीक है? बर्तन धुल गए हैं, नाश्ता तैयार है, वो भी सही ने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि सही आज बाहर जा रही है ना। विराट, तेरी बीवी ने तो कॉलेज से छुट्टी ली थी ना, तो अभी बाहर कहाँ जा रही है ये? काकू वो सही, सही को जहाँ भी जाना है वो चली जाएगी। तुम जल्दी से बाय बोल दो, हमें भी निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है विराट। हाँ बस चलते हैं। सही तुम रेडी हो? तुम सही से क्यों पूछ रहे हो वो रेडी है या नहीं? क्योंकि सही भी हमारे साथ चल रही है। सही आज पहली बार अपने पति के साथ ट्रिप पे जा रही है, तो उसे पूछना तो बनता ही है ना, तुम तैयार हो या नहीं, कुछ भूली तो नहीं? नहीं आई। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सही भी हमारे साथ आ रही है? तो अभी बता रहा हूं ना, सही चल रही है हमारे साथ। चलो बाकी, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। अब बता रहा हूं क्या मतलब क्या है तुम्हारा? घर के बड़ों को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर के अनुशासन को आखिर हो क्या गया है। देखा, उस दिन जब मैंने कहा था कि पत्र लेकर भाभी के साथ मैं चली जाती हूँ, सबने मुझे कितना सुनाया था। लेकिन आज कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इनके पति तो कमाते है ना, और मेरा पति तो बेरोजगार है। करिश्मा, अपनी चोच बंद रखो। विराट, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सही भी तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर जाने वाली है? कैसे बताता वहीनी, अपनी बीवी का साथ देते देते ये भी वैसे ही बन गया है। पहले ये हमारी बेइज्जती करती थी, अब हमारा बेटा खुद हमारी बेइज्जती कर रहा है। वाह, एक मिनट, सही मेरी पत्नी है, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ ट्रिप पर जा रही है तो इसमें किसी की बेइज्जती कैसे हुई? बेइज्जती हुई है विराट, मेरी भी और इस परिवार की भी। तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतनी से भी काबिलियत नहीं है कि मैं ये ऑफिशियल काम अकेले कर सकूं? मैंने, मिस्टर विराट चव्हाण, नाउ लिसन टू मी, मैं ये काम अकेले भी कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं है।
पत्र लिखा। तुम इस मौका पर उस लड़की की वजह से अपना खून मत जलाओ। अरे सब जानते हैं कि गलती इसी की है। इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई काकू? और मैं तो इस ट्रिप पे जाना भी नहीं चाहती थी। मुझे तो बार बार विराट सर ने बोला कि तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो, और तुम मान गई? हाँ, अब मिस नहीं हो रहा तुम्हारा कॉलेज, अब तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बस करो सही, तुम और कितना झूठ बोलोगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, शंभटक के झूठ बोल रही हो तुम। पर अगर तुम्हें इस ट्रिप पर जाना ही नहीं था तो तुमने विराट के कहने पर हाँ ही क्यों बोला? मैं बताती हूँ, तुम बस अपने पति के साथ छुट्टियों पर जाने का मौका ढूंढ रही थी। ये सब कॉलेज मिस होना, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होना, ये सब सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ऐसा कुछ नहीं है पाखी, ये मान ही नहीं रही थी तो मैंने इसे फोर्स किया कि हमारे साथ चलो। सुन लिया आपने, अगर इस सब में किसी की गलती है तो वो विराट सर की। मैंने उनसे पहले ही बोला था कि पाखी दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरा साथ चलो। विराट, अगर सही नहीं जाना चाहती थी तो तुमने जबरदस्ती क्यों की उसे चलने के लिए? तुम लोग क्या छुट्टियों पर जा रहे हो? सम्राट के ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो ना? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कुछ कहा था ना काका, कि आपको पाखी की बहुत चिंता है, बहुत सोचती हैं उसके बारे में, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं उसने। बिल्कुल सही कहा आपने काकू, लेकिन यही चीज आप सही के लिए क्यों नहीं सोचती हैं? आप ही क्यों? किसी ने भी सही के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको लगता है कि सही की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां हैं? हाँ? क्या आपको नहीं लगता उसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं झेली? काकू, सही के आबा ये दुनिया छोड़कर चले गए, वक्त और हालात ने हमारी शादी करा दी, तब से लेके आज तक सही की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, क्या पाखी थोड़े से आराम की, थोड़ी सी खुशियों की हकदार नहीं है? तो काकू मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या सही भी उस थोड़ी सी खुशी की, उस थोड़े आराम की हकदार नहीं? क्या उसे भी हक नहीं कि इन सभी टेंशन से दूर थोड़ा सा वक्त बिताए ताकि उसका मन भी शांत हो? बोले काकू, सही इस घर की बहू है, उसे भी खुश होने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। तो फिर इसने क्या गलत किया? अगर वो अपने भाभी और पति के साथ घूमने जाए तो बस। ये ट्रिप मेरी वजह से बनाया गया था, क्योंकि मुझे सम्राट के ऑफिशियल पेपर्स पर साइन करने थे। लेकिन अब मैं ही कह रही हूं कि अब इस ट्रिप पर कोई नहीं जाएगा। क्योंकि अब मैं ये ट्रिप कैंसिल करती हूं। बाकी